पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मुख्य आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस के साथ हंसना मोगा सीआईए एसएचओ किक्कर सिंह को भारी पड़ गया। गुरुवार को मोगा की कोर्ट में पेश करते समय सीआईए इंचार्ज किक्कर सिंह ने लॉरेंस बिश्नोई के साथ मजाक करना शुरू किया। ऐसे में गैंगस्टरों के साथ इस तरह पुलिस अधिकारियों का याराना बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टरों ने पंजाब का माहौल खराब कर रखा है और पुलिस अधिकारी उसकी पीठ थपथपा रहा है। इससे पहले ही मानसा के सीआईए इंचार्ज प्रीतपाल सिंह पर आरोप लगा है कि उसने खाकी को दागदार करते हुए गैंगस्टर दीपक टीनू को भागने में अहम भूमिका निभाई। टीनू को उसने सलाखों के पीछे रखने के बजाय अपने घर का मेहमान बना के रखा था और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मुलाकातें करवाई। अब मोगा के सीआईए इंचार्ज किक्कर सिंह ऐसे ही एक मामले में चर्चा में आ गए और उनका गैंगस्टर लॉरेंस से याराना कैमरे में कैद हो चुका है। आपको बता दें कि सीआईए स्टाफ बाघापुराना के मुखी त्रिलोचन सिंह, हरजीत सिंह उर्फ पिंटा द्वारा हत्याकांड में लॉरेंस को लुधियाना से ट्रांजिट रिमांड पर मोगा लाया गया था। पेशी के दौरान अधिकारी किक्कर सिंह की वीडियो लॉरेंस के साथ वायरल हुई। इस वायरल वीडियो में एसएचओ किक्कर सिंह कोर्ट में पेशी पर लाए गए गैंगस्टर लॉरेंस की पीठ थपथपा रहे हैं। किक्कर सिंह ने लॉरेंस बिश्नोई से कहा कि अदालत दा रास्ता भुल्लर दे नानलाल, कितने मैनू भी तो नहीं भूल गया। तो इतना कहने पर गैंगस्टर लॉरेंस भी उनके साथ हंसने लगा। इस मामले की वीडियो जैसे ही वायरल हुई तो पुलिस के उच्च अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लिया, क्योंकि अभी हाल ही में मानसा सीआईए स्टाफ की हिरासत से गैंगस्टर टीनू फरार हुआ है और उसे भगाने में पुलिस ऑफिसर प्रीतपाल सिंह ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। फिलहाल इस मामले में एसएसपी गुलनीत खुराना ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। कहा जा रहा है कि मामले की जांच एसपी देहात को सौंपी गई है। एसएसपी खुराना ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जांच कर रहे अधिकारियों से भी कहा है कि मामले की गहनता से जांच की जाए। इस मामले को हल्के में तो बिल्कुल भी ना लिया जाए। अगर कहीं जांच में सीआईए मोगा संदिग्ध पाया जाता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। वैसे आपका पंजाब के पुलिस अधिकारियों का गैंगस्टरों के प्रति रवैया जो होता है उसको लेकर क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए बीडीएफ अलवेली दुनिया।